यहाँ के समग्र विकास के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। आखिर हो क्यों ना, क्योंकि आस्था का तो सम्मान है ही, सरदारों की आस्था को तो सम्मान है ही। इन तीर्थ स्थलों में हमारी आस्था जुड़ी है, लेकिन साथ साथ हमारे युवाओं के लिए रोजगार की भी असीम संभावनाएं जुड़ी हुई है, असीम संभावनाएं जुड़ती है। इन सबको समेटे हुए आज उत्तर प्रदेश लगातार तीर्थधामों के सुंदरीकरण और उनके पुनरुद्वार का कार्यक्रम आगे कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबका सौभाग्य है ऐसे पवित्र क्षेत्र में जन्म लेने और यहां के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करने और प्रदेश और देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब इस बारे में जानते हैं, 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आपने जो कहा था वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था हम कानून का राज लाएंगे, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिरी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगों का दंगा मुक्त और भयमुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के बाद हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आज भाइयों बहनों वहां पर कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती, आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर संपद के नारे के साथ कांवड़ यात्री निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता है। आज प्रदेश से पलायन नहीं होता, आज उत्तर प्रदेश प्रगति के मित्र नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, एटा में वीरांगना उनकी बाई जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, फुल पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज आईटीआई, हॉस्पिटल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तीर्थों का विकास, ये जहां एक और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अलीगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं आपके कासगंज जनपद की ही बात करूं तो कासगंज जनपद में किसान ऋण माफी की योजना के अंतर्गत अकेले आपके जनपद में 51,800 किसानों का ऋण माफ हुआ था। कासगंज जनपद में 51,800 किसानों का ऋण, वर्तमान में
2,10,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं आपके कासगंज की ही बात करूं, 8,400 दिव्यांगजनों को, 21,200 निराश्रित महिलाओं को और 12,600 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को यहां पर सालाना 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा हमारी सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करवा रही है। भैया बहनों, अकेले कासगंज जनपद में वर्तमान में 10 लाख लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की हर महीने 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने भी 7,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास इस जनपद में मिला है। नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। जब हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हमने तय किया है वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और सरकार बनेगी अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं के लिए 15,000 रुपए जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई का पैकेज हो या फिर गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी कार्यक्रम आज सरकार के हिस्से है। सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? भाइयों बहनों, उनकी संवेदना याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। ये चीजें बहुत स्पष्ट है, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी, गरीबों के प्रति नहीं थी। और यही कारण था कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी का नेता कहीं नहीं दिखे होंगे। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में आपको टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार करवाचार की सुविधा दी। और यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज वैक्सीन भी दे रही है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? दोनों हाथ मारकर के आप लोगों ने अपना मंतव्य यहां पर बताया है। भाइयों बहनों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना के खिलाफ ये देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है,
दुनिया को इसने पोस्ट दिया है। लेकिन भारत के अंदर भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ जीवन और जीविका को बचाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और आज इसीलिए मैं कह सकता हूं, जीवन भी बचाया गया, जीविका को भी बचाया गया, बीमारी से भी और भूखमरी से बचाने का जो मिनट प्रयोग भारत का है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कोरोना कालखंड में हालचाल पूछने के लिए आए थे? और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के भाइयों बहनों, ये लोग गुमराह कर रहे थे। वैक्सीन के बारे में कहते थे मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए, अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन हमारी जान को बचाएगी, तो जो जीवन का सच्चा साथी होगा, जो जीवन बचाने वाला होगा, वही सच्चा साथी होगा। बाकी तो अवसरवादी होंगे, हमें अवसरवादियों का साथ नहीं देना है, हम तो जीवन बचाने वालों के साथ होंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, सरकार ने तय किया है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, अपराध को स्वीकार नहीं करेगी, अपराधियों पर भी किसी प्रकार की कोई राम नहीं करेगी। जिस मजबूती के साथ सरकार लड़ रही थी, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को सुरक्षा दे रही थी, ये कार्यक्रम हमारा अनवरत इसी रूप में चलता रहेगा। आज यही आह्वान करते हुए मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोग के प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। श्री देवेंद्र सिंह राजपूत कासगंज से और अमापुर से श्री हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? भय मुक्त, गुंडा मुक्त सरकार चाहिए ना? तो फिर इसके लिए आप इन दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके भेजिए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।